जी अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिसीजन थ्योरी मॉडल्स, कुछ इंफॉर्मेशन की बेस पे किस तरह से सिस्टमेटिकली हमें कोई अपना एक्शन डिसाइड करना है, जिसको अल्टरनेटिव्स कहते हैं। और वो अल्टरनेटिव्स हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि जो फ्यूचर की मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जो कि हमारे लिए कंट्रोलेबल नहीं हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे डिसीजन में हमें प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो कोशिश तो हमारी होनी चाहिए कि हम वो डिसीजन करें जिसमें हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, या अगर कॉस्ट आ रही है तो वो मिनिमम कॉस्ट हमें जो है वो बियर करनी पड़े। इसमें तीन सिचुएशंस आ सकती हैं। डिसीजन अंडर सर्टेनिटी, जो भी फ्यूचर्स के मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट सेल होगी, अगर होगी तो कितना प्रॉफिट आएगा, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, तो वो है डिसीजन अंडर सर्टेनिटी जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज लीनियर प्रोग्राम। सेकंड था डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, कि फ्यूचर स्टेट्स का सर्टेनिटी के साथ तो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसके स्टेट्स को गेस कर सकते, यानी कि हमें उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम है ना। फर्ज करें कल बारिश होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे कोई पता नहीं, तो ये अनसर्टेनिटी है। बारिश होगी नहीं होगी, दो स्टेट्स हैं, ये अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर आप नेट से देखें तो वहां लिखा होता है 40% चांस। अब ये अंडर रिस्क है, सर्टेनिटी तो नहीं है ना, लेकिन कुछ आइडिया जरूर है, रिस्क बताया गया जो 40% चांस है, तो इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। जो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क है, इसके लिए जो हमने प्रोसीजर पढ़ा कि आप हर अल्टरनेटिव का एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इसका फार्मूला क्या है? उस स्टेट की प्रॉबिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट स्टेट मल्टीप्लाई बाय द पे ऑफ वैल्यू ऑफ एक्शन फॉर दैट स्टेट, कि अगर हम ये एक्शन करेंगे और मार्केट इस स्टेट में होगी तो हमारे पास कितनी पे ऑफ वैल्यू था, जिसको मैंने ओ आई जे से रिप्रेजेंट किया। और डिसीजन कैसे करना है कि वो अल्टरनेटिव जो आपको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू देगा, हम उसी एक्शन को, उसी चूज को हम डिसीजन कर देंगे कि हमें ये चूज करना चाहिए या ये एक्शन करना चाहिए। एक एग्जांपल हमने टीच की पढ़ी, जिसमें रो साइड पर अल्टरनेटिव्स थे कि हमें कितने आइटम्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए, क्या 6 केसेस, 7 केसेस, 8 केसेस और 9 केसेस। क्यों मुश्किल क्यों आ रही है? डिमांड का पता नहीं है। अगर वो सारे सेल आउट ना हुए तो वो जो चीज के केस सामने बनाए हुए हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे, और उनकी मैन्युफैक्चर कॉस्ट जो है वो जाहिर है कि हमें बियर करनी पड़ेगी। हो सकता है मार्केट डिमांड 6 केसेस की हो, 7 की हो, 8 की हो और 9 केसेस। क्या गारंटी है? गारंटी तो नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि 10% चांस ये है कि मार्केट की डिमांड जो है हालात को देखते हुए वो 6 केसेस की होगी। 30% डिमांड है, 50% डिमांड है, 10% डिमांड है, फ्यूचर में 9 केसेस की होगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये पे ऑफ मैट्रिक्स देखी कि किस तरह से हमने ये पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बनाई है। इसको कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट करना, सिंपली डेटा प्लेस करना। इसका डेटा प्लेस करने के लिए वो आपसे पूछेगा कि आपको कितने एक्शन या आपके पास कितने अल्टरनेटिव्स हैं, इसे एक्शन या अल्टरनेटिव्स कहें, और फ्यूचर के रेलेवेंट कितनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ नेचर, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आप समझते हैं कि फ्यूचर में हो सकती हैं। तो इसका कंप्यूटर सॉल्यूशन, तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अल्टरनेटिव्स, स्टेट्स, उनकी प्रोबेबिलिटी और पे ऑफ मैट्रिक्स, कि जी अगर ए एक्शन करेंगे ये स्टेट होगी तो क्या पे ऑफ मैट्रिक्स है। ये सारा डेटा मैंने ऑलरेडी इसमें फीड किया हुआ है। तो 4 एक्शन हैं हमारे पास, कि जी 6 केसेस बना लें, 7 केसेस मैनुफैक्चर कर लें, 8 कर लें या 9। स्टेट्स 1 का मतलब है डिमांड, मे बी 6 केसेस की, मे बी 7, मे बी 8, मे बी 9, और यहाँ पर हमने 10% चांस है कि डिमांड 6 केसेस की होगी, 3%, 50% और 10%, और यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स हमने जो है वो रखी हुई। बस इतना ही काम हमने करना है। इसके बाद हमने इस प्रॉब्लम को, और प्रॉफिट जाहिर है ये प्रॉफिट्स हैं और हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे कि कौन सा एक्शन हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, सॉल्व कर दें। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इज 352.5 गिवन बाय A3। तो A3 हम एक्शन जो है वो अपने लिए सजेस्ट कर लेंगे,
क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू जो है वो दे रहा है, विच इज 352.5, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो यही वैल्यू आपके लिए जो आ रही है. दैट इज द बेस्ट एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू जो है वो हमारे लिए आ रही है, वो यही आ रही है, उसने हमें पिक करके दे दिया. और ये जो वैल्यू आ रही है ये A3 के अगेंस्ट है. तो हमने भी यही डिसीजन किया था, 352.5 ये राउंड ऑफ फिगर है, तो 353, तो दैट्स ऑल. A3 जो है वो हमारे लिए, उस कंपनी के लिए, मुन्नू चीज कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजन है कि वो 8 चीज के मैन्युफैक्चर्स कर लें. हम ये नहीं कह रहे कि उसे $353 का प्रॉफिट होगा, हम उसे कह रहे हैं कि ये एक्शन आपको बाकी एक्शन की निस्बत सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगा. वो तो आप मार्केट पर उस वक्त डिपेंड करेगा ना क्या डिमांड है. तो दिस इज द ऑप्टिमल एक्शन कि आप 8 केसेस जो है चीज के जो है वो मैन्युफैक्चर कर लें. इसी तरह से ये प्रॉब्लम भी फीड करके और आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो. ये लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा देखा कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क क्या है. डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क है कि फ्यूचर स्टेट्स के मतलब आपको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का आइडिया ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि फ्यूचर स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं, हमने क्या एक्शन पॉसिबली, कौन सा कदम उठाए, कौन सा एक्शन लें. फ्यूचर स्टेट्स ये हो सकती हैं, लेकिन इन स्टेट्स के होने के चांसेस क्या है वो डोंट नो. इसे ही हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. पहला जो क्राइटेरिया है डिसीजन करने का, जब आपको फ्यूचर स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं हो, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमिन. दो वर्ड आ रहे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे है भी यही है, मैक्सिमिन. मिन भी आ रहा है, मैक्स भी आ रहा है, मैक्सिमिन, या इसे वॉल्ट क्राइटेरिया भी बोलते हैं, और इसे हम कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहते हैं. इस अप्रोच में क्या किया जाता है, ऑफन कॉल्ड द क्राइटेरिया ऑफ पेसिमिन. इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट नेचर इज अनकाइंड. कहता ये जो डिसीजन है मैक्सिमिन का, ये कुछ इस बिलीफ पे होता है कि जी मेरे खुदा में, अब कहते ना यार मैं बस, अगर आप कहोगे ना तो मैं बदकिस्मत ही हूँ, बैड थिंग्स ऑलवेज हैपन टू मी, हमेशा मेरे साथ ना बुरा ही होगा. इस सोच के साथ ये क्राइटेरिया कैसे करना आप, यानी कि इस सोच के साथ कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता. लाइक अगर फर्ज करें टीचर आपको कहता जी क्लास में 10 स्टूडेंट है, टीचर आता कहता यार कोई ना 10 स्टूडेंट हैं, अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बस एक ही फेल हुआ है, तो एक स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा या दो होंगे कहेंगे यार ये मैं ही हो सकता हूँ, चाहे उसका पेपर सबसे अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा लो एम रखता है, वो कहता नहीं ये मैं ही लगता हूँ, ये मेरे ही है. या समटाइम वो पेपर की प्रिपरेशन करता है, वो कहता यार ये ऐसा करते हैं कि ये एक चैप्टर छोड़ देते हैं, टाइम नहीं है, चले रिस्क ले लेते हैं. लेकिन जब वो पेपर में अभी शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है ना, वो तो अभी फ्यूचर में होना है, लेकिन उसके जेन में होता है मुझे लगता है कि मैनू पेपर से सवाल आ ही जाना जरा मैं छड़िया, ये मैनू जरूर आना. मेरे साथ होता ही ऐसे है कि जब मैं जो कोई चीज छोड़ता हूँ मुझे वही आता है. तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है वो पिसिमिन क्राइटेरिया, यानी कि गॉड मेरे साथ नहीं है, गॉड नेचर मेरे साथ नहीं है, बुरी चीजें मेरे साथ ही होती हैं, मैं बदकिस्मत ही रहता हूँ. डिटरमाइन द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, जो बुरी से बुरा कम से कम आपको फायदा हो सकता है, कहता जी पहले वो कैलकुलेट कर लें, मिनिमम इधर से स्टार्ट कर लें. हर स्टेट में जो कम से कम फायदा होता है, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम कहते नहीं, ये कम से कम क्या होगा, एक होता ना कम से कम क्या होगा, चले मुझे 20 रुपए तो प्रॉफिट होगा ही ना, कम से कम तो ये इतना जरूर होगा, तो लो एम वाला शख्स वो ऐसा कह लें. डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल आउटकम आर द मिनिमम फॉर ईच ऑफ द एक्शन, कहता हर एक्शन में से जो वर्स्ट आउटकम है उसे पिक कर लें, एंड सेलेक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम देम. और फिर आप कहेंगे सारे ही वो एक्शन है जो मैंने कम से कम, जैसे आप होते हैं ना एग्जाम में नंबर लगाते हो, आप कहते हैं यार ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 नंबर का है, कम से कम नंबर भी मेरे आएंगे, चले 3 तो जरूर आएंगे ना, आपने कम से कम लगाए, कहते हैं ना आप, ये है वो क्राइटेरिया, बैड थिंग ऑलवेज हैपन टू मी, या मैं कंजर्वेटिव अप्रोच यही है कि जी 10 है तो कम से कम 3 ही आने हैं मेरे, और कोई अपोजिट क्या है इसके, अपोजिट 10 नंबर का सवाल है, चाहे थोड़ा बहुत आधा वगैरह ठीक किया हो, स्टूडेंट कहता नहीं जी मेरे 8 नंबर आने चाहिए, या 8 आ सकते हैं, वो अपने आप को ना अपर साइड पे रखता है, ये लोअर साइड पे रखता है. और फिर क्या करना है,
सारे वर्स्ट रिजल्ट आपने नोट कर लेने हैं, हर एक्शन के वर्स्ट रिजल्ट नोट कर लेने हैं और उसमें से बेस्ट पिक कर लेना। यानी कि इधर से स्टार्ट करें, हर एक्शन का मिनिमम पिक करके उसमें से सबसे ज्यादा जो है, यानी कि ये वो सारे मिनिमम है और ये सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे यही मेरे लिए बेस्ट एक्शन है। बड़ा सिंपल सी बात है। मैं जरा एक क्वेश्चन के थ्रू इसे रीड करता हूँ। हामिद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड यूजुअली मेक्स गुड ग्रेड्स, अच्छे उसके नंबर आते हैं, लेकिन साथ एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट ही कैन रिव्यू द कोर्स मटीरियल द नाइट बिफोर द टेस्ट। तो वो थोड़ा सा शॉर्ट मेमोरी उसकी कम है, तो अगर वो एक दिन एक रात पहले, पेपर से एक रात पहले अगर वो अपना कोर्स रिव्यू कर ले, रिवाइज कर ले, तो कहता जी कि उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, ये उसकी पास हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है। फॉर टुमारोज टेस्ट, सुबह उसका कोई टेस्ट होना है, कोई फाइनल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, हामिद इज फेस्ड विद अ स्मॉल प्रॉब्लम, हिज फ्रेंड्स आर हैविंग एन ऑल नाइट बसंत पार्टी इन विच ही वुड लाइक टू पेस्ट। दोस्तों ने, जो उसके बाकी दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के नहीं है, उसके बाकी जो लोग, उन्होंने कहा यार कल बसंत है, आ जाना सारी रात, हम बस गुड़िया उड़ाएंगे। अब हामिद का दिल भी कर रहा है। हामिद हैज थ्री ऑप्शंस। अब हामिद के पास डिसीजन करना है कि क्या करे, जाए ना जाए, क्या करे। उसके पास तीन ऑप्शंस है, पार्टी एट नाइट, छोड़े सब कुछ और जाए पार्टी इंजॉय करे, सारी रात पार्टी इंजॉय करे। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन, डिवाइड द नाइट इक्वली बिटवीन स्टडी एंड पार्टी, यानी कि आधी रात वो पार्टी इंजॉय कर ले और वापस आके अपना कोर्स पढ़ ले, एक चॉइस तो ये भी है। और तीसरी चॉइस क्या है उसके लिए, स्टडी ऑल नाइट, सब कुछ छोड़े, ना पार्टी पे जाए, ना फुल टाइम जाए, ना पार्ट टाइम जाए, बस घर में सारी रात बैठा रहे। अब टुमारो एग्जाम जो कि स्टेट्स ऑफ नेचर है, इट मे बी ईजी आ जाए, टीचर ने बड़ा सिंपल सिंपल पेपर बना दिया तो उसको शायद फायदा ही नहीं हुआ सारी रात पढ़ने का, इतना सिंपल था, वो पढ़ता भी ना भी रिवाइज करता, तो ये तो बेसिक सी चीजें उसने वैसे कर लेनी थी। पेपर में भी मॉडरेट आ गया, ना बहुत ज्यादा इजी आया, ना बहुत ज्यादा टफ आया, और हो सकता है पेपर वाकई ही टफ हो। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेसर्स अनप्रेडिक्टेबल मूड, कहता अब ये प्रोफेसर के मूड पे डिपेंड करता है। क्या देखे ना, आप उठते हैं, आप पूछते हो यार फलां एहसन साहब कैसा पेपर बनाते हैं, तो मे भी कोई आपको बताए कि यार वो ईजी भी बना देते हैं, कोई मूड का नहीं उनका पता चलता, कोई आइडिया नहीं। आपको अगर ये कह देना कि जी 80% वो पेपर इजी बनाते हैं, 10% होता है वो कभी कभी मुश्किल बनाते हैं, और बहुत रेयर चांस है 2-3% के वो मुश्किल पेपर बनाए। आप बच्चे ना प्रीवियस हिस्ट्री से शायद ये गैस कीते होते हैं, और ये फ्लान टीचर तो पेपर यार उसका बस सीधा सीधा ही होता है, 90% चांस है कि वो सीधा सीधा पेपर बनाता है, ठीक है ना, तो गैसिंग आप कर लेते हो। लेकिन यहाँ कहता जी प्रोफेसर का मूड बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, शायद ये भी आप अपने टीचर के मतलब कहें कि यार उनका कोई पता नहीं चलता क्या करना, कभी तो सीधा सीधा पेपर ही, और हम कहते हैं क्या तैयारी करनी, कहते जी फाइनल में बैठे तो तोते उड़ गए, इतना मुश्किल पेपर, अनप्रडिक्टेबल मूड है। अब आपने बताना है, हामिद ने अपने लिए गैस किया, क्या गैस किया, भाई डेटा तो बेसिक होगा ना, कहता है कि अगर फर्ज करें वो ये डिसाइड करे कि मैं सारी रात बसंत पार्टी पर रहूंगा, और सुबह जब पेपर देने गया और पेपर भी टीचर ने इजी ही दिया, तो जाहिर है कि सारे नंबर तो नहीं, लेकिन चूंकि उसने रिवाइज तो नहीं किया था, लेकिन चूंकि पेपर आसान था, कहता मेरे 85 नंबर तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर पीटर मॉडरेट हुआ, यानी कि ना बहुत ज्यादा आसान हुआ, ना मुश्किल हुआ, और उसने ना पढ़ा, सारी रात वो पार्टी इंजॉय की, तो कहता फिर 60 के करीब, कहता जी मैं गेस कर रहा हूँ कि आ ही जाएंगे। और कहते ना हम कि पेपर यार मुश्किल से मुश्किल भी आ गया तो 40 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे ना। ये उसने एक ऐसे ही अपने पे ऑफ मैट्रिक्स होगी ना, स्कोर्स हो गए उसके, उसके मार्क्स हो गए। सिमिलरली अगर वो आधी रात पढ़ता है, आधी रात वो बसंत एंजॉय करता है, पेपर आसान आ गया, कहता जी 92 तक आ जाएंगे, एंड सो ऑन। लेकिन अगर वो डिसाइड करे मैं सारी रात ही पढ़ता रहूं और पेपर सीधा सीधा आए, कहता 100 नंबर। लेकिन अगर मुश्किल भी मॉडरेट भी आ जाए तो 88, और अगर टफ भी दे दे, चूंकि उसने सारी रात रिवाइज कर लिया अपना कोर्स, कहता फिर भी मैं गेस कर रहा हूँ कि मेरे 82 नंबर आ सकते हैं। अब वो कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूज है कि उसे ये नहीं पता कि कल का पेपर जो है वो इनमें से क्या होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा। पहला जो क्राइटेरिया आपसे डिस्कस किया बड़ा सिंपल है, मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मैक्सिमिन। वो कहता है चूंकि वो कहते हैं ना कि वही बात, गॉड इज नॉट विद मी, मैं लकी अनलकी ही रहता हूँ। फर्ज करें उसने जो आपने डिसाइड किया आपने क्या करना है,
हर एक्शन में से मिनिमम मार्क्स वो ले लेता है, हर एक्शन में से मिनिमम। वो अगर पहला एक्शन करता है यानी कि वो पार्टी पर जाता है, पेपर जाहिर टफ आएगा तो फिर कम से कम नंबर 40 आएंगे, कहेंगे मैं इतना लकी नहीं हूं कि पेपर आसान लाए, मुश्किल आ गया तो 40 तो आ ही जाएंगे ना। ये उसने अपने लिए लोअर वैल्यू पिक कर ली। सेकंड से लोअर 81 आ रही है और थर्ड से लोअर क्या आ रही है, 82। ये है मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच एक्शन। अब इसमें से मैक्स लेना है, ये हो गया मिन, इसमें से मैक्स। तो ये क्राइटेरिया करता है मैक्सिमिन, यानी कि उसने अपने लिए हर एक्शन के बुरे हालात कम से कम हालात देखे, हर एक्शन के कि जी मेरे साथ कहते नहीं ज्यादा से ज्यादा यार क्या हो सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना कि मेरे बुरे से बुरे नंबर भी आएंगे तो 40 तो आ ही जाएंगे ना। ये वो क्राइटेरिया है कि लोअर साइड पर वो सोचता है, कहता है इसमें मेरे साथ बुरे से बुरा सलूक भी होगा तो 81 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, यहां 82 आ जाएंगे। अब इनमें से क्या होना चाहिए, कहता चले इनमें से सबसे अच्छा यही है कि आप ये वाला एक्शन करो, मैक्सिमिन जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो डिसीजन कर ले, A3 डिसीजन करे जिसके मुताबिक स्टडी एट नाइट। देखिए ये देखने में ना और वाकई बड़ा सीधा है, लेकिन लॉजिक तो कुछ तो लॉजिक है ना इसके पीछे कि कैसे उसने डिसाइड कर दिया। अगर ये डेटा बदलेगा ना तो ये 7 डिसीजन भी बदल जाएगा। ये था एक क्राइटेरिया, हम नहीं कहते ये अडॉप्ट करे, ये इंसान की अपनी नेचर पर है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं। अगर वो मैक्सिमम क्राइटेरिया पर जाता है तो उसके मुताबिक तो उसे ये करना चाहिए कि वो सारी रात ही पढ़े ना जाए। सेकंड है मैक्सिमैक्स, नाम में नजर आ रहा है मैक्सिमैक्स, हर एक्शन का मैक्सिमम ले, अपर साइड ले। ये वो है जो लोग कहते हैं कि अगर टीचर ने कहा ना कि 10 बच्चे हैं, बड़ा ही बुरा रिजल्ट है, सिर्फ एक बच्चा पास है, तो हो सकता है जो सबसे बुरा पेपर करने वाला कौन हो, ये मैं ही होऊंगा, इंशाल्लाह ये मैं ही होऊंगा, हैं? वो यानी कि गुड हाई एम रखता है चाहे करे कुछ भी ना। इसे हम कहते हैं ये एग्रेसिव अप्रोच है, जो भी मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा वो अपनी मैक्सिमम लिमिट ही लगा लेता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो कहता है मैं 8 लगाता हूँ, 4 से 8 तक आ सकते हैं लेकिन मैं इसमें 8 ही लगा रहा हूँ, यानी कि वो अपर साइड जाता है, which is exact opposite to the maximum criteria, often called the criteria of optimism, optimism based on the assumption that the nature is benevolent, kind to me, good always can happen to me, उसमें था bad things always happen to me। ये कहता है मुझसे यार मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ में अच्छी चीजें ही हो सकती हैं। अगर कोई चैप्टर तैयार नहीं करेगा लेकिन उसके जेहन में यही होता है कि इंशाल्लाह देखना सुबह से एक भी क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है ना, वो कहता मैं लकी हूं। सूटेबल टू दोस दैट आर पर्टिकुलरली रिस्क टेकर है, वो कहते रिस्क लेना चाहिए, भाई तुम बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, एक्सट्रीम्स पे जा रहे हो, कहता नहीं इंशाल्लाह मैं इसमें क्लियर हो ही जाऊंगा। इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया, सिंपल है, हर अल्टरनेटिव में से आपने मैक्सिमम लोकेट करना है और उसमें से भी मैक्सिमम ले लेना है, मैक्सिमम 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 और फिर इसमें से भी मैक्सिमम, कि मैंने अपर साइड ली और तीनों एक्शन की अपर साइड ये कहती है कि A3 एक्शन ही करे, तो इसके तहत भी उसके लिए A3 ही ऑप्शन बचती है जो कि हम कह देते हैं स्टडी एट नाइट। ये दो एक्सट्रीम्स है, एक कहती है जी कि आप लोअर साइड वाले सेलेक्ट करो वर्स और फिर उसमें से दी बेस्ट पिक कर लो। मैक्सिमैक्स कहता है हर एक्शन के अपर साइड लो, उसमें से भी अपर साइड जो है वो सिलेक्ट कर लो। थर्ड वन इज द लैपलेस क्राइटेरिया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी नॉलेज अबाउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द अकरेंस ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ नेचर, वन पॉसिबल वे आउट इज टू अज्यूम दैट ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली टू अकर। ये दोनों का ना बैलेंस समझने करता है, वो कहता है आप एक साइड पे तो बिल्कुल अपर साइड पे चले जाते हो कि जी जो मैक्सिमम होता है वही मिलेगा, दूसरी साइड आपकी बिल्कुल अपोजिट है, आप हर एक्शन में लोअर साइड पे जाते हो। तो जो लैपलेस क्राइटेरिया है वो कहता है आप हर स्टेट को, प्रोबेबिलिटी तो मालूम नहीं है लेकिन अपने तौर पे आप उसे कह दो जी बराबर ही है, ये नहीं आप कह सकते कि इसके होने का चांस ज्यादा, आप कहें जी सारा कुछ ये होने का चांस बिल्कुल इक्वल है। तो अगर आपके पास टोटल n स्टेट्स हैं और हर स्टेट के आने का चांस बराबर है, अगर 3 स्टेट्स हैं यानी कि अगर 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो 33% होगी सबका चांस, बराबर तो करना है आपने, 1/3
दूसरे का भी 1/3 और तीसरे का भी 1/3, क्योंकि आपने आल तो प्रोबेबिलिटी मालूम, ये मालूम तो नहीं ना कह सकते, आपने सबको ऐसी बराबर कह दी, क्या बराबर थी आपको तो नहीं पता, आपने सबको लगा दी और उसके बाद आप जरूर पहले वाला यूज कर सकते हो, चूंकि प्रोबेबिलिटी सबकी एक जैसी आ गई तो आपने कह दिया एक्सपेक्टेड पे ऑफ आप फाइंड कर लेंगे, मालूम नहीं थी, आपने खुद ही सबको बराबर अज्यूम कर दिया, सिंपल इज दैट कि आप इसकी एवरेज कर दें, एवरेज कर देना 85, 60 और 40 की एवरेज कर दी, तीनों स्टेट्स को आपने इक्वल समझा, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल कहा आपने, आपने कहा सबके आने का चांस बराबर, तो मैं सिंपली एवरेज कर देता हूं 85 + 60 + 40 आंसर डिवाइडेड बाय 3, तो हर एक की एवरेज आ जाएगी 61.56 या राउंड ऑफ फिगर 60.7 इसका एवरेज आ गई। दूसरी स्टेट की भी एवरेज कर ले और तीसरी स्टेट के भी एवरेज कर ले अकॉर्डिंग टू द लैपलेस क्राइटेरिया। आपने अब दोनों साइड तो नहीं, आपने कह दिया मैंने हर स्टेट को इक्वली समझा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी लोअर होगी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं हर एक्शन में अपर साइड पे जाऊं, उसने कहा जी मैंने हर एक्शन चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, थर्ड स्टेट हो, मैंने हर को बराबर समझा कि बिल्कुल उतना ही चांस पेपर आसान आने का है जितना मुश्किल आने का है, जितना मॉडरेट आने का, लेकिन फिर भी डिसीजन यही बनता है पढ़ना ही पड़ेगा, है? हर जगह पढ़ना ही पढ़ना, स्टडी ऑल नाइट ही ये डिसीजन आपका जो है वो इस वक्त भी बनता है। फोर्थ क्राइटेरिया इज वाज अल्फा इंडेक्स। अब वाज अल्फा इंडेक्स क्या कहता है? वो कहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, या तो आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो लोअर पे या अपर पे चले जाते हो, और अगर लैपलेस क्राइटेरिया लेते हो हर स्टेट को आप इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करते हो। उसने एक अपॉर्चुनिटी दी, कहता है कि आप मैक्सिमिन भी ले ले, मैक्सिमस भी ले ले, दोनों लें, लेकिन आप उनको वेटेज वाइज लें, ये ना हो कि आप मैक्सिमिन आप क्या करते हो मैक्सिमिन में मिन आ रहा है ना लफ्ज जो आखिर में आ रहा है, मिन में आप मिनिमम ले तो मैक्सिमम छोड़ जाते हो, और मैक्सिमैक्स में क्या करते हो हर एक्शन का मैक्सिमम लेते हो मिनिमम बिल्कुल छोड़ जाते हो। वो कहता है आप क्या करें दोनों ही ले, मैक्सिमम भी उस रो का ले और मिनिमम भी ले, उसके बाद अब आप डिसाइड करें कि किस साइड पर आप ज्यादा वेटेज देना चाहेंगे। मिनिमम वाला तो बिल्कुल एक साइड पे चला जाता है ना, दूसरा जो है वो बिल्कुल अपर साइड पे चला जाता है। कहता है अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको एक वेटेज असाइन कर दो, और इसको हम अल्फा के साथ लिखते हैं, और अल्फा इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ रियल। क्या करना है, हर रो में से मैक्स ले लें, यानी कि मैक्सिमैक्स में जो किया था, हर रो का मिन ले लें जो हमने मैक्सिमिन में किया था, आर बेस्ट एंड द वर्स इन ईच रो, हर रो का बेस्ट भी ले हर रो का वर्स भी ले, और अल्फा खुद आप डिसाइड कर दो। अगर आप अल्फा जीरो कर दोगे, देखें अगर अल्फा यहां पर जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो इनटू आर मैक्स खत्म हो गया, ये जीरो हो गया, तो क्या रह गया, हर रो का मिनिमम लेना रह गया, तो वो पहला क्राइटेरिया बन गया, ठीक है ना, तो पहला क्राइटेरिया बन गया। अगर आप अल्फा को वन रखते हो, अल्फा वन रखेंगे तो 1 - 1 = 0, ये खत्म हो गया, ये वन हो गया, हर रो का मैक्स लेना क्या था, वो मैक्सिमस क्राइटेरिया, ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया बन गया, ये उसी का स्पेशल केस है। कहता आप ट्रेड ऑफ कर दो, क्या द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट फॉलोज द इट अलाउज द डिसीजन मेकर टू बिल्ड इन पर्सनल फीलिंग्स अबाउट द रिलेटिव ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म रिलेटिवली। क्या आप कहते हैं जी कि मैं दोनों में बहुत होता ना, कोई कहता है यार ना मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हूं, बस थोड़ा सा मेरा झुकाव ना इसकी जानेब जरूर है, तो जिसकी जानेब आपका झुकाव होगा उतना ही अल्फा यहां पर प्लेस कर लेंगे। तो मैंने जरा कैलकुलेट द वाज इंडेक्स कंसिडरिंग अल्फा 0.6 अपने तौर पर, मैंने कहा 60% हम इधर हो जाते हैं, 40% जो है वो लो रेम है, तो क्या करना है मिन हर से मिन ले लेना है, ये हर का मिन आ गया, और हर का मैक्स भी ले लेना है, ये हर का मैक्स भी आ गया।
फिर इस क्राइटेरिया के तहत क्या करना है कि जो मिन है उसे 1 - α से मल्टीप्लाई करना है और जो मैक्स है उसे अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। अब अल्फा कितना हमारे पास 0.6, मैक्स को हमने अल्फा से मल्टीप्लाई करना है मैक्स को। अब हमारा जो मैक्स है वो 0.85 है, 0.85 इज द मैक्स, मैक्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस पहली रो का मिन है 40 और उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 0.4 से 1 - α से। इंक्लाइंड वो मैक्स की जानेब है यानी कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की जानेब उसका इंक्लाइंड थोड़ा ज्यादा है, इसके तहत जो उसके बनते हैं और वो 16 उलट कर दिया हमने अल्फा, सॉरी मुझे देखने दें, हम देखते हैं कि क्या हमने इसमें रॉन्ग किया है, मेरा ख्याल हमने उलट कैलकुलेशन परफॉर्म की है। देखें मैक्स को आपने अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा जो है वो 0.6 है और 1 - α को रो मिन से करना है, ठीक तो शायद किया हमने, मैक्स को अल्फा से करना है, क्या हमने मैक्स को अल्फा से नहीं किया, तो चेक करते हैं दोबारा कर लेते हैं, चलो इसको दोबारा करते हैं हम, मैक्स को अल्फा से करना है, मैक्स है 85 और मल्टीप्लाई विथ अल्फा है 0.6 प्लस, प्लस लिखा था ना, अब 1 - α हो गया 0.4 मल्टीप्लाई विथ मिन और वो है 40, कैलकुलेशन परफॉर्म की 67, वो आगे में हर पैसे प्लस यूज कर लिया। इस तरह से आपने हर एक्शन के लिए पोवाज इंडेक्स जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना और सिलेक्ट करना जो मैक्सिमम दे आपको। अगेन स्टडी ऑल नाइट इफ वी पुट अल्फा इज इक्वल टू 0.6। ये जो अल्फा 0.6 है ना, ये मैंने कहा ना कि आप उस डिसीजन मेकर की चॉइस है कि वो किस जाने को सोचता है, मे बी वो इसे उलट कर दे तो ये डिसीजन उसका चेंज हो जाए। तो ये था फोर्थ वन जिसमें पोवाज इंडेक्स क्राइटेरिया कहता है कि जी आप एक वेटेज दे दें दो एक्सट्रीम्स को, मिनीमैक्स को और मैक्सीमैक्स को अल्फा, और ये उसी के स्पेशल केस हैं, अल्फा जीरो हो गया तो एक बन गया, अल्फा वन हो गया तो दूसरा एक्सट्रीम बन गया, लेकिन अगर आप उसे 0.6 रखते हो और एक को फिर दूसरे को 1 - α तो 0.4, तो ये आपका डिसीजन आ जाएगा। तीसरा जो लास्ट वन है वो है मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, वॉच क्राइटेरिया भी बोलते हैं, बिल्कुल ये उसके अपोजिट है। और जो आखिरी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी लॉस, बिल्कुल ये उसी तरह से ही है। रिग्रेट मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स कहले। आप पहले क्या बनाओगे, रिग्रेट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे, कैसे, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ ईच स्टेट फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट सेट। आप याद करें उधर भी यही किया था, उधर भी हमने यही चीज परफॉर्म की थी। इसकी पहले आपने रिग्रेट मैट्रिक्स बनानी है, तो रिग्रेट मैट्रिक्स जो है हर स्टेट के मैक्सिमम में से उसकी मिनिमम निकाल देना, मतलब अब इसका भी वही है, फर्ज करे वो कहता है कि अगर वो पेपर आसान आ गया और मैंने बसंत पे सारी अपनी रात गुजार दी तो मेरे यार 100 आने थे, लेकिन वो इस एक्शन की वजह से मेरे 15 नंबर जो हैं वो मैंने लॉस कर दिए अपने, 100 आ सकते थे। अगर वो ये एक्शन करता, वो कहता यार मेरे 100 आने थे, पेपर आसान आएगा, मेरे 100 आने थे, मैंने एस्टिमेट किया था, लेकिन चूंकि मैंने हाफ नाइट पढ़ा था तो मेरे 8 नंबर का मुझे जो है वो अपने टारगेट से मैं कम रह गया, और अगर ऐसा है तो वो 100। तो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं जैसे बनाई वही हमने बनाई, 100 में से 85 माइनस किया, 100 में से 92 गया और 100 में से 100 0। क्या करना है इसमें से, ये क्राइटेरिया क्या कहता है, मिनी मैक्स, मैक्स लेना है और उसका मिनिमम, चूंकि ये लॉस है ना, ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या हो सकता था वो ले ले, और आप कहेंगे जी सारे लॉसेस की बात ही हो रही है और ये सबसे कम लॉस है, इसलिए ये मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया है। तो हमने अब हर लॉस में से आप समझ लें कि मैंने मिनिमम मैक्सिमम अपना लॉस नोट किया, यहां मैक्सिमम लॉस 8 हो सकता है, यहां मैक्सिमम लॉस 0, और इसमें से मिनिमम कौन है, यही A3 इज द रिक्वायर्ड एक्शन।
अगेन बेटा हर बार पढ़ना ही पैंदा, ठीक है। ये आपकी एक्चुअली एक प्रैक्टिस है, आपको मैंने एल्गोरिथम समझाना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि डेटा कितना एक्यूरेट जो है वो आ रहा है जी। तो उसके रेलेवेंट एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर द अपकमिंग प्लांटिंग सीजन फार्मर महराज दीन कैन प्लांट, अब कोई नया प्लांटिंग सीजन आने वाला है और जो फार्मर है महराज दीन उसके पास कुछ जमीन है, उसके ऊपर अब वो कौन सी क्रॉप सो करे। उसके पास चार ऑप्शन है, कौन सो कर ले, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट एक्शन दैट ही टेक, डिसाइड करना ना उसने कि फ्यूचर में अब वो किस अपनी जमीन पे क्या कौन सो करे, वीट सो करे, सोयाबीन सो करे, या यूज द लैंड फॉर ग्रेजिंग, अपने वो जानवरों का चारा वगैरह उस पर कर ले। तो ये उसके पास चार अल्टरनेटिव्स हैं, चार चॉइसेस हैं, कौन सो कर दे, वीट सो कर दे, सोयाबीन सो कर दे, या वो अपनी लैंड को ग्रेजिंग के लिए चारे वगैरह के लिए यूज करे। द पे ऑफ यानी कि वहां से जो उसको मुख्तलफ जो उसकी जमीन से उसे प्रॉफिट आएंगे। द पे ऑफ एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेन, कहता अब जो कोई क्रॉप सो करेगा उससे जो उसको क्रॉप मिलेगी, कहता अब ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में बारिश का जो क्या चांस है, उससे ये बड़ा इफेक्ट होगा। कहता हो सकता है कि जो कमिंग सीजन में हैवी रेन्स हो, मे बी मॉडरेट रेन्स हो, मे बी लाइट रेन्स हो, और मे बी ड्राउट, बिल्कुल खुशकसाली, बहुत कम बारिश है। तो चार पॉसिबिलिटीज है, लाजमी नहीं है कि जितने एक्शंस होंगे उतनी स्टेट्स ऑफ नेचर भी हों, तो इस वक्त चार है। और पे ऑफ मैट्रिक्स जो दी गई है इन थाउजेंड ऑफ डॉलर्स इज एस्टिमेटेड है, मतलब अगर वो डिसाइड करता है कि मैं कॉर्न सो करूंगा अपनी जमीन पे और कमिंग सीजन में हैवी रेन्स हो जाती हैं, ज्यादा बारिशें हो गई, उसकी फसल खराब हो जाएगी ज्यादा बारिशों की वजह से कॉर्न की, क्योंकि कॉर्न पे इतना पानी नहीं चाहिए। वो कहता जी उसने एस्टिमेट किया कि मेरा 20,000 का नुकसान हो जाना है अगर मैंने कॉर्न सो कर दी और बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन कहता जी कि अगर मैंने कॉर्न सो की और बारिशें बहुत ज्यादा ना हुई, जरा एवरेज सी हुई, मॉडरेट हुई, तो मुझे कहता फिर 60,000 का प्रॉफिट भी तो हो सकता है, और अगर हल्की बहुत कम बारिशें हुई तो देन कहता जी मुझे 30,000 का फायदा होगा, लेकिन अगर खुशकसाली रही बारिश ना हुई तो कहता जी मेरा फिर 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी फसल जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसी तरह से वीट के लिए उसने गैसिंग की है कि अगर बारिशें हैवी हो गई तो गंदम मेरी ज्यादा बारिशें की वजह से एक अच्छी हो गई, कहता जी कि ये, लेकिन अगर एवरेज ही रेनफॉल हुई तो फिर कहता जी वीट लगा के मैं 50,000 ले सकता हूँ। देखें अगर वो कॉर्न लगाता है बारिशें नहीं होती तो यहाँ उसे 20,000 नुकसान हो रहा है, और अगर वो वीट लगाता है तो बारिशें ना भी हुई तो 40,000 का फायदा रहेगा, चाहे कॉर्न की वजह से उसे ज्यादा मुनाफा था लेकिन वीट की वजह से कम आ, लेकिन यहाँ नुकसान भी तो नहीं ना है। एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट, और अगर वो लैंड अपनी ग्रेजिंग के लिए यूज करता है और बारिशें बहुत ज्यादा हो गई तो चारा वगैरह खराब हो जाएगा, कहता 12,000 के बस उसका बिक सकेगा, प्रॉफिट होगा, ये उसने एस्टिमेट किया है। और अगर ड्राउट कंडीशंस हैं और देन हैवी रेनफॉल है, लैंड ग्रेजिंग है, तो 15,000, और अगर खुशकसाली भी रही तो चारा को बहुत ज्यादा नहीं उसका नुकसान करेगा, कहता 10,000 रुपए का फिर भी फायदा हो जाएगा। जैसे मेरे कुछ रिलेटिव हैं और उनकी जमीनें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूमेरिकली सारा उन्होंने कैलकुलेट किया, लेकिन वो भी कुछ ऐसे ही मुझे हिसाब किताब करके ना बता रहे थे। उनकी ज़मीनें हैं, वो अपनी क्रॉप्स वगैरह सो करते हैं, अच्छी खासी ज़मीनें हैं। ईद, ये जो ईद गुजरी है इस पर उन्होंने जानवर लिए कुर्बानी के लिए, मैंने भी उनके गाँव के करीब से ले लिए, तो उन्होंने ना 4-5 जानवर खरीदे अपनी कुर्बानी के लिए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी आपके पास ज़मीनें हैं, आपके पास नौकर हैं, अच्छी खासी उन जानवर रखे हुए दूध वगैरह के लिए और ये सारा कुछ, तो मैंने कहा आपके पास जगह है, मुलाजम है, ज़मीनें हैं, और आप जानवर जो है वो बाहर से खरीद रहे हैं, तो क्यों नहीं आप छोटी एज का जानवर जब होता है तो उसे ले इसी ज़मीनों से आ जाना और ये वो करके, तो आपको फ़ायदा ही है, इसमें क्या आप ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझे कैलकुलेशन बताई, कहता जी कि अगर मैं 4 या 5 जानवर लेता हूँ, बड़े जानवर, और उसको मैं पूरा साल या जो भी 8-9 माह रखता हूँ,
कहता जी कम से कम एक खेत जो है मुझे उनके लिए यहाँ पर चारा लगाना पड़ेगा। कहता जी इतना तो वो रोजाना खाते हैं और इस रोजाना की कैलकुलेशन करके कहा जी एक खेत मुझे जो है वो चारे के लिए रखना पड़ेगा। कहता लेकिन अगर मैं वो चारे की बजाय वहां पर गंदुम या कॉर्न लगा लेता हूँ तो कहता है कि मुझे वो 2.5-3 लाख का मुझे फायदा होना था। क्यों? चारा मैंने सिर्फ लगाया हुआ। ये तो वैसे ही है ना कि एक आप बहुत बड़े महंगी मार्केट में महंगी दुकान लें और वहां पर जाके आप 10-10 रुपए के खिलौने बेचना स्टार्ट कर दें तो उसका क्या आप बेनिफिट उस जगह से ले रहे हैं। तो उस कह रहे जी कि मैं इतनी जगह पर अगर मैं बीट लगाता हूँ, गंदुम लगाता हूँ, तो मुझे इतना वहां से मेरी फसल बननी थी और मैंने गंदम लगा के क्या जी मैंने भैंसों का चारा लगा दिया। मैं तो उल्टा नुकसान में जाऊंगा, गंदम नहीं लगाई चारा लगाया हुआ है, कितना का मुझे फायदा हो गया। फिर सेकंड कहता जी इसके लिए मुझे एक अलग नौकर रखना पड़ेगा क्योंकि वो जानवर उससे नहीं संभाले जाएंगे, नौकर की तनख्वाह मैं लैदा से दूंगा। चारा मैंने चारा छोड़ के मैंने बीट छोड़ के चारा लगाया हुआ है, उसका भी नुकसान बर्दाश्त किया, नौकर का भी किया। कहता जी मिल मिला के ना अगर मैं अपने जानवर रखता हूँ तो मेरा एक साल के बाद कोई 3-3.5 लाख रुपया मेरा नुकसान हो जाना। क्यों? मैंने वीट सो नहीं की, मैंने मुलाजम रखा। कहता है इसके बाद अगर मैं ना ईद से 2 दिन पहले अगर मैं मार्केट से जानवर ले आऊँ तो कहता कम से कम ये नुकसान तो नहीं ना मेरा होना। तो इस तरह से उसने ये सारी कैलकुलेशन करके बता दिया कि उसको कितना बेनिफिट होगा। ठीक, ये थी पे ऑफ मैट्रिक्स। और मैंने अब वो सारे क्राइटेरिया जो है वो मैक्सिमम मिनीमैक्स और सारे क्राइटेरिया इस पे लगाए और इस क्राइटेरिया के तहत अगर मैक्सिमम क्राइटेरिया हो तो चूंकि हमने सब वैल्यू मिनिमम लेनी है।